बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे तो उनके साथ बिहार सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी भी थे और इस पर विवाद हो गया। मंसूरी ने कहा कि मेरा संयोग है कि मैं सीएम नीतीश कुमार के साथ विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में गया। मंदिर द्वारा द्वार पर अहिंदू प्रवेश वर्जित लिखा हुआ है। विष्णुपद मंदिर के सचिव गजाधर लाल पाठक ने बताया कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। एक शिला पर विष्णु के यहां चरणों के निशान हैं। इतिहास के आईने से हम आपको दिखा रहे हैं विष्णुपद मंदिर की क्या आस्था है, क्या इसका महत्व है। हरि के चरणों के साक्षात यहां पर दर्शन होते हैं, ऐसी मान्यता लोगों की रही है। पंच चिन्हों का श्रृंगार रक्त चंदन से होता है। हालांकि मंदिर में मुस्लिम मंत्री की एंट्री पर अब महाभारत छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। सतयुग में स्थापना का इसका दावा किया जा रहा है कि सतयुग में इस मंदिर की स्थापना हुई और अब विवाद जो है वो जब बढ़ता जा रहा है। अभी तक कोई सफाई इस पर सामने नहीं आई है। आपको बता दें, दरअसल बिहार सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी वहां पर पहुंचे थे और इस पर विवाद हो गया। मंसूरी ने हालांकि कहा कि मेरा संयोग है कि मैं सीएम के साथ वहां पर था और गर्भगृह में पहुंच गया। मंदिर द्वारा अहिंदू प्रवेश वहां मंदिर में लिखा हुआ था, लेकिन विष्णुपद मंदिर के सचिव गजाधर लाल पाठक ने बताया कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अब इसको लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें भी हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब नीतीश पहुंचे थे यहां पूजा अर्चना करने और उनके साथ ही बिहार सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इस्माइल मंसूरी मौजूद थे। गर्भगृह तक वो पहुंचे हैं, जिसके बाद विवाद अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गया में अपने एक मंत्री इजराइल मंसूरी जी को जो लेकर के गए थे विष्णुपद मंदिर में, तो आप 17 सालों में आपको जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को जाने के लिए पाबंदी है। आप कुर्सी बचाए रखने के लिए हिंदुओं के भावनाओं से कितना खिलवाड़ करेंगे, कोई तो हद होगा, अपने आप को कितना गिराएंगे, गिरने का भी एक हद होता है। आपने तो पूरे हिंदुओं को धार्मिक भावनाओं के लिए ही अपने कुर्सी के लिए बेच दिया। इस हद को बंद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बिहार के लोगों के धार्मिक भावनाओं से मत खेलिए। ये बिहार के लोग हैं, आप कुर्सी पर बने रहें लेकिन किसी के धर्म को भ्रष्ट मत करें।